अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 9 व सेकंड लास्ट पार्ट है, वो एक्सरसाइज 1.2 का। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना है, इन सब का, इन तीनों का हमने एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ये दोनों चेक करें तो आप एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस बी, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों के दोनों ही इसका एलसीएम। वो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम से हमने तीनों को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। अब ये एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई बाय इससे मल्टीप्लाई, बी ओवर x माइनस ए, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना, क्या देगा, यही एलसीएम आपके पास, x माइनस ए, एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब जो कट रहे हैं उनको काट देना है, जो कट रहे हैं उनको काट देना है, यहाँ पे कोई नहीं कट रहा। अब इनको हमने क्या करना, जो बाकी बच गए उनको मल्टीप्लाई करवा दें। ये a है, a को x से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स हो जाएगा, a को a से किया तो ए स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ भी b बच गया और ये x माइनस b बचा, इनको b को x से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, b को b से किया तो क्या हो जाएगा, b का स्केयर। अब ये 2 स्टार्ट पे ले आओ और ये जो आपके पास है इस x को लेके दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इस a को लेके आपने दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्स को एक्स से किया तो क्या हो गया, एक्स का स्केयर आ गया, एक्स को आपने बी से किया तो आपके पास माइनस बी एक्स आ रही, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी, माइनस ए को एक्स से किया तो प्लस माइनस, माइनस ए को एक्स से किया तो ए एक्स आ गया। अब ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया आपके पास है, ए बी, ये 2 तो आपके पास है स्टार्ट में। अब इनको ये एज इट इज ही लिख लेनी है, क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा, क्या हो जाएगा, 2x का स्केयर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, मतलब कि इन, ये 2 है सब के साथ आ जाएगा। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, इन सब को उठा के आपने इस साइड पे ले आना है, ये एज इट इज ही लिख देनी, क्या हो जाएगा, ax माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर, ये जो 2x स्केयर है इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 2bx इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2ax इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, मींस इन सब की अलामतें इधर आके दूसरी साइड पे आके चेंज हो जाएंगी। अब इस साइड पे आपके पास क्या बच गया, 0, इस साइड पे क्या बचा, 0। अब एक्स स्केयर वाली स्टार्ट पे होनी चाहिए और हमेशा याद रखिएगा एक्स स्केयर वाली सेम वैल्यू सेम में ही प्लस माइनस होती है। अब अगर ए एक्स है तो वो ए एक्स में ही ऐड हो सकेगा, अगर बी एक्स है तो बी एक्स में ही ऐड हो सकेगा, अगर एक्स स्केयर वाली कोई वैल्यू हो वो एक्स स्केयर में से ही प्लस माइनस हो सकेगी, ठीक है। अब ये 2एक्स स्केयर अकेला ही, एक्स स्केयर वाली कोई भी नहीं इनमें से, सिर्फ यही है, इसको स्टार्ट पे ले माइनस 2एक्स के स्टार्ट पे ले। अब देखो आपके पास ए एक्स ये वाली है और एक ए एक्स ये, प्लस का 2ax प्लस का ये क्या हो जाएगा, 3ax हो जाएगा। अब बी एक्स वाली एक ये है, अब एक ये 2bx प्लस 1bx, ये भी क्या हो जाएगा, 3bx हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो भी बच गए उनको हैंड पे लिख दो, क्या हो जाएगा, माइनस ए स्केयर, ये वाली कौन सी है, ये बच गई एक, माइनस बी स्केयर और ये एंड पे ये माइनस 2ab बच गई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको तो हम स्टार्ट पे ले गए थे, बाकी ये जो 3 बच गए थे उसको मैंने एंड पे ले, ये कांस्टेंट है, इनके साथ कोई x नहीं है और ना कोई x स्क्वायर है, तो इट्स मीन कि ये सारे तीनों के तीनों कांस्टेंट है। अब इनमें से आपने ए बी की वैल्यू निकालनी, अब पहले उससे पहले ये कर लो, ठीक है, इन दोनों में से ना आपने x कॉमन ले लेना, ठीक है, प्लस 3b, इन दोनों में से x कॉमन निकला तो आपके पास 3a बच गया, यहाँ से 3b बच गया, आगे क्या, माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन में से अब आपने a b c तीनों की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, तीनों की वैल्यू, a की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, x स्केयर के साथ माइनस 2 है और b की वैल्यू क्या आ रही है, x के साथ क्या है, 3a प्लस 3b है, और आपके पास c की कांस्टेंट की वैल्यू ये सारी है, ठीक है, माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर
माइनस टू ए बी, ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को हमने फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मैं फार्मूला ऊपर लिखने वाला हूँ, ये मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अभी हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में जहाँ पे ए नज़र आएगा वहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, और जहाँ पे आपके पास बी नज़र आएगा बी की वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ पे सी नज़र आएगा वहाँ सी की। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ये वैल्यू उठा के ऊपर लिख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या आई थी माइनस टू आई थी, और आपके पास बी की वैल्यू क्या आई थी थ्री ए प्लस थ्री बी आई थी, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ठीक है। अच्छा, इसको हमने, मैं नीचे वाले मिटा देता, इसको हमने फार्मूला लिख उसमें पुट कर देना है। फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ओवर में क्या है टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आई थी थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस इंटू थ्री ए प्लस थ्री बी, ठीक है। ये वैल्यू आपने इसमें साथ में माइनस पहले कही है, प्लस माइनस बी स्केयर, बी वाली कौन सी है थ्री ए प्लस थ्री बी, इस ऑल का स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या आपके पास माइनस टू है, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है ये वाली सारी है, ठीक है, माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये आपके इस सारे के ऊपर क्या है स्केयर रूट है अंडर रूट है, ठीक है। नीचे क्या है टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस टू है, ठीक है। इनको अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई थ्री ए माइनस थ्री भी हो जाएगा, दोनों अलामतें चेंज हो जाएगी, इसकी भी इसका फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ एक्स वाई की फॉर्म में फार्मूला लिखूँ क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई, इस हॉल का स्केयर क्या होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। मीन कि ये एक्स वाली है सारी और ये वाई वाली है, एक्स का स्केयर क्या हो जाएगा थ्री ए, ये कौन सी एक्स वाली वैल्यू प्लस ये कौन सी है वाई वाली वैल्यू है थ्री बी, इसका स्केयर प्लस टू एक्स वाई लिखना है, एक्स वाली थ्री ए है और बी ये वाई वाली कौन सी है थ्री बी है, ठीक है। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करवा देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर टू ज़ा एट, ठीक है। वो जो आगे नेक्स्ट माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस टू ए बी एज इट इज ही आपने लिख देनी है, ठीक है, ब्रैकेट में। इस सारे के ऊपर क्या है स्केयर रूट है, ठीक है, और नीचे अंडर रूट, नीचे ओवर में क्या है माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस थ्री के ऊपर भी स्केयर है ए के ऊपर, ये क्या हो जाएगा नाइन ए का स्केयर, इसको ओपन करो तो ये भी क्या हो जाएगा नाइन बी का स्केयर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो टू थ्री दा सिक्स, मीन दो को तीन से तरफ छः, छः को तीन से तरफ दो क्या हो जाएगा अठारह हो जाएगा, ठीक है, सिक्स थ्री दा एटीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एटीन ए और बी साथ में वैसे के वैसे, ठीक है। अब इस ये जो ए है एट है, एट को इन सब से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। एट को माइनस ए स्केयर तो माइनस एट ए स्केयर आ जाएगा, एट को माइनस बी से जरूर तो माइनस एट बी स्केयर आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, एट को टू से मल्टीप्लाई करके सिक्सटीन ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब इस सारे के ऊपर क्या है आपके पास अंडर रूट है और नीचे आपके पास क्या है माइनस फोर है, ठीक है। इनको सॉल्व करने जा रहे हैं, अब माइनस थ्री ए वैसे का वैसे माइनस थ्री बी वैसे का वैसे प्लस माइनस, अब नाइन ए स्केयर में से आपने माइनस एट के ए स्केयर ए स्केयर में से ए स्केयर वाली प्लस माइनस होती है, नाइन ए स्केयर में से एट ए स्केयर माइनस हुआ तो अकेला ए स्केयर बच गया, नाइन बी स्केयर में से एट बी स्केयर माइनस हुआ तो प्लस का बी स्केयर बच गया, प्लस एटीन ए बी सिक्सटीन ए बी माइनस हुआ तो क्या बच गया टू ए बी बच गया, ठीक है। एटीन में से सिक्सटीन में क्या अठारह में से सोलह माइनस किए तो आपके पास टू दो ए बी टू ए बी बच जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है माइनस फोर है, ठीक है। अब आपने यही वाला फार्मूला ए स्केयर बी स्केयर जमा दो ए बी, ये वाली ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा दो ए बी, मीन इसको चाहे एक्स वाई की फॉर्म में लिख लो चाहे आप ए बी की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इसको नोट कर लें और मैं इसको दोबारा ये मिटा के ये पार्ट में दोबारा ऊपर लिख, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसीलिए बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है, मेरा कुछ वाइट बोर्ड भी छोटा है,
अच्छा अब इस पार्ट को मैं उठा के ऊपर लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस। अच्छा ये फार्मूला अगर ये ए स्केयर माइनस जमा बी स्केयर जमा दो ए मीन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी चाहे एक्स वाई की फॉर्म ये क्या क्लोज होके क्या बन रहा है आपके पास एक्स प्लस वाई और पीछे बी लिखा गया था गलत लिखा एक्स प्लस वाई ऑल का मीन के ए प्लस बी ऑल का स्केयर हो जाएगा। ठीक है ये फार्मूला मैंने क्लोज किया तो आपके पास नीचे क्या माइनस फोर है। ठीक है माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस ये स्केयर अंडर रूट कट गए। ठीक है स्केयर और अंडर रूट कट गए ए प्लस बी बच गया। ठीक है नीचे क्या है माइनस फोर है। ठीक है अब एक दफ़ा यहाँ पे इस जगह पे प्लस और एक दफ़ा आपने ए बी को माइनस में लिखना है। ठीक है जैसे पीछे लिखा था हमने एक्स इज इक्वल माइनस थ्री है माइनस थ्री बी क्या रहे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं ए प्लस इसको अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है माइनस फोर और एक दफ़ा आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री है माइनस थ्री बी और एक दफ़ा इधर आपने क्या लिखना है माइनस लिख देना है। ठीक है और ये ए प्लस बी ठीक हो गया नीचे क्या माइनस फोर अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस प्लस की वजह अंदर वाली आमते चेंज नहीं होती। ठीक है तो प्लस ए प्लस ये एज इट इज ही आ जाए नीचे क्या जो माइनस फोर। ठीक है अब यहाँ पे भी क्या है इसको भी कुछ है माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी एज इट इज ही लिख दिया माइनस की वजह से दोनों अलामतें चेंज हो गई थी नीचे क्या माइनस फोर है। अच्छा माइनस थ्री ए प्लस ए माइनस टू ए बचेगा और यहाँ भी कुछ आपने माइनस थ्री बी प्लस बी माइनस थ्री में से वन गया तो आपके पास टू बचेगा अलामत बड़े वाली और साथ में बी आ जाएगा और नीचे माइनस फोर है। ठीक है अब इन में से माइनस टू कॉमन ले लेना पीछे क्या बचे ए प्लस बी बचेगा नीचे क्या माइनस टू निकला तो ए बच गया माइनस टू निकला प्लस का बी बचेगा नीचे माइनस फोर माइनस माइनस भी कट गया टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर मीन के एक्स की आपके पास यहाँ वैल्यू ए प्लस बी ओवर टू एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है सेकंड क्या आएगी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ए माइनस ए माइनस फोर ए अलामतें एक जैसी हों अलामतें एक मीन के सेम हो माइनस का दोनों वैल्यू प्लस हो जाए उसके कोफिशियंट प्लस हो जाते अलामत बड़े वाली लगती। ठीक है साथ में ये भी माइनस फोर है आप अगर ना समझ आए तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा माइनस थ्री माइनस वन तो क्या हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है इन में से माइनस फोर कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी बच जाएगा नीचे क्या है माइनस फोर ये माइनस फोर कट गए तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाए ए प्लस बी आ जाएगी ये दो आपके पास वैल्यू आ गई।